आज रात को जो न्यू दिल्ली से 465 लोगों के रिजल्ट्स आए हैं उसमें इंदौर के 200 टेस्ट लगाए गए थे जिनमें से 117 पॉजिटिव पाए गए हैं। इनको जोड़कर अभी तक इंदौर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 544 हो गई है। कल तक जो दो मृत हुए थे उनको जोड़ने के बाद मृतकों की संख्या 39 हो गई है और 37 हो गई है, माफ़ कीजिएगा, और 39 लोगों को अभी तक हम स्वस्थ करके डिस्चार्ज कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त कम से कम 20 से 22 लोग ऐसे हैं जिनकी पहली रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है और यदि इनकी सेकंड रिपोर्ट भी नेगेटिव आ जाती है तो हम इनको डिस्चार्ज कर देंगे। कल हमारी जो सर्वेक्षण टीम जो कि कंटेनमेंट एरियाज में घूम रही है इनके द्वारा 45,000 तक का अभी तक टोटल सर्वे कर लिया जा चुका है और 300 लोग इसमें से ऐसे मिले थे जिन्हें सर्दी खांसी की शिकायत हमारी टीम ने पाई थी, परंतु मेडिकल मोबाइल यूनिट के डॉक्टर्स के द्वारा जब इनको देखा गया तो इनमें कोई भी कोरोना जैसे संक्रमण नहीं पाए गए। दूसरी बात ये है कि दो अस्पताल नए चिन्हित कर लिए गए हैं जो ESI में 300 बेड का और चौथराम हॉस्पिटल में 300 बेड का, तो इस तरह से कुल मिलाकर अभी 800 बेड की कैपेसिटी हमारी हो गई है और इंदौर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है यदि किसी भी तरह के मरीज बढ़ते हैं। आज जो मरीज बढ़े हैं 117 ये मूलतः वो मरीज हैं जिन्हें क्वारंटाइन हाउस में रखा गया था और जो प्रथम कॉन्टैक्ट के मरीज थे हमारे जो पहले जितने भी मरीज पॉजिटिव आए थे उनके, इसलिए अभी ये कहा जा सकता है कि सोसाइटी में इसका भी वायरस का फैलाव भी हुआ नहीं है और पैनिक होने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है।